हमारा ब्लॉग बहुत स्पेशल है। तो आपने देखा होगा कि मम्मा ने मेरे लिए क्यूट सी किचन बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देखना। तो आज का भी हमारा ब्लॉग है DIY। पहले हम लंच करेंगे क्योंकि फिर हम उसमें बिजी हो जाएंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो किचन का व्लॉग हमने नहीं बनाया था क्योंकि वो तो हमारा ट्रायल चल रहा था, ट्रायल करते करते किचन बन गई, पता ही नहीं चला। तो आज हमने सोचा कि हम जो भी बनाने वाले हैं उसका व्लॉग आपके लिए शूट करें। उससे पहले हम जल्दी से कर लेते हैं लंच। तो सुमायरा, आज मैं पता क्या बनाने वाली हूँ? क्या? छोले कुलचे। ओह माय गॉड, वाओ वाओ, छोले कुलचे। पापा मम्मा छोले कुलचे बनाने वाली है आज। वाओ छोले कुलचे। देखो सब कितना खुश हो गया छोले कुलचे का नाम सुनकर। तो चलो किचन में चलते हैं। तो मम्मा छोले कुलचे बनाने के लिए मिक्सर रेडी कर रही है। हमारे चने और आलू जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और ब्लैक चिली पाउडर थोड़ा सा, और साथ में मैंगो पाउडर, और साथ में हम ऐड करेंगे लेमन। वाओ, लेमन जूस, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। मम्मा हमें डाइजेस्ट होगा? बिल्कुल होगा। और ना हम ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्माइरा नहीं खाएगी ना, बहुत स्पाइसी हो जाएगा। अभी ये हमारे पास बन का पैकेट है, अब इन बंस को हम तवे पे फ्राई करेंगे और उसके अंदर ये मिक्सचर जो है फिल करेंगे। अभी मम्मा स्टफिंग के लिए कुलचे को कट करती हुई, हमने ये कट लगा दिया है और फ्राई करते हैं सबसे पहले घी लगा के। तो ये हमारा फर्स्ट कुलचा जो है रेडी हो चुका है। स्मायरा आपको खाकर बताएगी कैसा बना है। तो देखते हैं कि मम्मा के हाथ के कुलचे कैसे हैं। यम्मी टेस्टी। और चलेगा एक? यस। ओके, तो अभी हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना DIY स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्डबोर्ड से हम करने वाले हैं आज DIY। तो स्मायरा, इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम बना सकते हैं या बनाएंगे? बनाएंगे, बताओ। तो स्मायरा की किचन के साथ साथ स्मायरा की डिमांड आई है कि मम्मा मेरे लिए रेफ्रिजरेटर बनाए। ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, तो स्मायरा आपको इसका जो फ्रीजर का पोर्शन होता है वो इसके अंदर ही चाहिए या अलग से चाहिए? अलग से। अलग से चाहिए, तो उसके लिए हमें एक और कार्टून इसके ऊपर अटैच करना पड़ेगा। और अगर हम इसी में से कट करेंगे तो फिर फ्रिज की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी और स्मायरा बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो रही है, शी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो फ्रीजर हम यहाँ पे बनाते हैं, उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा कार्टून बॉक्स हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारे पास एक बॉक्स, तो यहाँ पे हम इसका वो बनाएंगे फ्रीजर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। स्मायरा आप देखो, आपकी हाइट से बड़ा है ना अब ये। तो और हम क्या क्या यूज करेंगे जिससे ये परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बनेगा, तो सारे मटेरियल्स मैं आपको दिखाती हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फ्लोरल प्रिंट के पेपर्स, कुछ वाइट पेपर्स, साथ में ब्राउन टेप, रूलर, सेलो टेप, ग्लू, डबल साइडेड टेप, ये फेविकोल भी है, और कटर, साथ में सीजर, ग्लिटर टेप, पेंसिल, और साथ में मैं यूज़ करूँगी कुछ मैग्नेट्स। तो ये सारा मटेरियल यूज़ होने वाला है। सबसे पहले हम इस टेप से सारे कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से बंद कर देते हैं, और फिर हम इसका डोर कट करेंगे, और फिर ये जो पेपर्स आप देख रहे हैं उनको हम रैप करेंगे। स्मायरा के पापा को मैंने बुला लिया है मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं क्योंकि मैथ स्टूडेंट हैं। तो जब ये मेजर कर लेंगे तो उसके बाद कटिंग का काम मैं देख लूंगी। तो ये मेन डोर जो है हमारा रेडी हो गया है, हमने तीनों तरफ से इसको कट कर दिया है, और अंदर हम अब शेल्फ्स बनाएंगे, और नीचे जो आप पार्ट देख रहे हैं इनको हम ज्वाइंट करेंगे टेप की हेल्प से। स्मायरा टेप दे दो। अभी हम रेफ्रिजरेटर के अंदर पेपर लगाने स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो रियल वाला रेफ्रिजरेटर होता है वो अंदर से वाइट कलर का होता है। पहले हमने सोचा था कि वाइट चार्ट पेपर लगाएंगे, लेकिन वो प्लेन प्लेन अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उसके लिए हमने वाइट शीट्स ले ली हैं। तो अंदर से पूरा वाइट कर देते हैं इसको। मम्मा
तो अंदर से हमने पूरा व्हाइट कलर का रैप कर दिया है फ्रिज के अंदर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसके अंदर शेल्फ्स वगैरह भी बनेंगी, तो चलो बाहर से कवर करते हैं डिफरेंट पेपर से। तो फ्रेंड्स, हमने पूरा फ्रिज को रैप कर दिया है अलग अलग पेपर से, अंदर से भी और बाहर से भी। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। बाहर से हमने ये फ्लावर्स वाला पेपर लगाया है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं इधर से भी और बैक साइड से भी। और ये है फ्रंट डोर, इसका भी हैंडल लगाना बाकी है। ये है अंदर से, अंदर से तो आपको दिखाई दिया था। तो अब पूरा लुक देखिए फ्रिज का कैसा लग रहा है। सुमायरा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरी आफ्टरनून चली गई है इतने से काम में, और अभी हो चुके हैं 7:00 इवनिंग के। अब मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, थोड़ा रेस्ट करते हैं, डिनर वगैरह बनाएंगे, चाय भी पीनी है अभी। तो बाकी का हम जो बचा है काम वो हम करेंगे कल। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 11, तो हमने सोचा कि फिर से शुरू हो जाते हैं, ये फ्रिज का जो पेंडिंग काम रह गया था उसको खत्म कर देते हैं। घर पूरा मेस्ड अप तो है ही कल से, तो हमने सोचा कि सुबह सुबह 1-2 घंटे का काम है, जल्दी से खत्म करते हैं, फिर एक ही बार में अपना घर अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस हमारे पास हैं, इनको जॉइंट करके हम इसकी बनाएंगे शेल्फ्स, जो हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे भी कुछ कुछ लगाएंगे। और नीचे सुमायरा को एक वेजिटेबल बॉक्स भी चाहिए, तो इनकी हेल्प से वो सब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके ऊपर वाइट पेपर पेस्ट, ताकि बाद में हमारी फिक्सिंग इसके अंदर इजीली हो जाए। तो चलो पेपर पेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए थे उस पे पेपर पेस्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितने पीसेस हैं, कुछ सुमायरा के पास हैं, कुछ मेरे पास हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो ये जो हमारा है, ये है शेल्फ अंदर की जो हमारे रियल फ्रिज में होती है। ये है क्या स्पाइडर? यही है, एक जैसे है ना साइज, कुछ वो समझ में भी नहीं आ रहा, यही है। तो इसको हम अंदर लगा देते हैं, इसके लिए पेस्टिंग की जरूरत नहीं है हमें, तो ये ऐसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। आपको दिखाते हैं। अभी सीधी है क्या? देखो ऊपर वाली, हाँ सीधी है। इसको हाँ। अभी अभी ठीक है। और ये वाला, ये तो सही है, दूर से देखो सही है। तो यहाँ पे हम शेल्फ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम रखेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल वाला बॉक्स। तो उसके हमने पार्ट्स बनाए हैं, ये फ्रंट है उसका। तो क्योंकि हमारे पास वैसा एक बॉक्स नहीं था कि हम एकदम से उसका ड्रॉर बना पाए, तो पीसेस में हमने कार्डबोर्ड कट कर लिए थे। अभी इनको पेस्ट करेंगे और एक प्रॉपर ड्रॉर बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि ड्रॉर कैसा लगता है। तो फाइनली हमारा रेफ्रिजरेटर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी फ्रीजर बाकी है, तो भी बनाएंगे, डोंट वरी। यस, तो पहले मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ। ये हमारा होल्डर है जिसको पकड़ के हम फ्रिज को ओपन करेंगे, लेकिन अभी ये ड्राई नहीं हुआ है अच्छे से, इसीलिए हम इसको टच नहीं करेंगे, अदरवाइज ये निकल जाएगा बाहर। तो ये है फ्रिज, ये देखिए, ये हमारा वेजिटेबल बॉक्स, हमने पार्ट्स जॉइंट करके इसको बना दिया है। और ये देखिए यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट पेपर लगाया है ताकि और वेजिटेबल्स है, हाँ नहीं पता चलता रहे कि कौन सी वेजिटेबल खत्म है, मार्केट से लेकर आनी है, कौन सा फ्रूट खत्म है। तो ये 2 शेल्फ्स हो गई, और यहाँ पे हमने बनाया है एक ड्रॉर जिसमें सुमायरा अपने जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स और यहाँ पे वाटर बॉटल्स वगैरह रख सकती है, कुछ भी रख सकती है सुमायरा के पास जो भी अवेलेबल है। तो उसके लिए हमने ये बनाए हैं 2 पार्ट। यहाँ पर मैं चॉकलेट भी रख सकती हूँ ना? हाँ चॉकलेट्स भी रख सकती है। तो ये एक छोटा बनाया है हमने और एक ये बड़ा बनाया है, तो सुमायरा का जहाँ पे जो रखने का मन करेगा वो ये रख सकती है। तो कैसा लग रहा है हमारा फ्रिज, आप हमें कमेंट्स में बताइए। Nice, A1, very cute, beautiful. तो इसको हम बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्रीजर बनाना। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा रेफ्रिजरेटर कंप्लीट हो चुका है, फ्रीजर भी हो चुका है। यस, तो मम्मा आप कुछ कहना चाहते हो? टाइम देखिए कितना हो गया है, 5:47 शाम के।
अरे कहना क्या चाहते हो? और मम्मा के हाथ देखो फेविकॉल से भर गए हैं। हाँ देखिए मेरे हाथों की हालत। और सुबह कितने बजे लगे थे हम? 11 बजे, 11:30 हमने काम स्टार्ट किया था और पूरा दिन निकल गया है। सिर्फ हमने लंच किया है और घर का कोई काम मैंने नहीं किया है, इवन हमने बात भी नहीं किया है किसी ने भी। अब हम फ्री हुए हैं, ये सब एडजस्ट करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, फिर बात करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर कैसा बना है। तो आज के पूरे दिन के हार्डवर्क के लिए प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और एक शेयर भी कर देना। हाँ एक फिर नहीं, हम बहुत सारे कर देना। फिर हम और DIY प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर से। तो ये हमने बंद कर रखा है, पूरा देख सकते हैं आप, ये पूरा रेफ्रिजरेटर है टॉप टू बॉटम। हाँ तो लग रहा है ना कि ये रियल है, प्रिंटेड नया मार्केट में आया है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए पहले फिर से दोबारा से फ्रिज दिखाते हैं आपको। तो ये देख लीजिए फिर से हमारा रेफ्रिजरेटर, वाइट कलर की, अंदर शेल्फ लगाई है, वेजिटेबल बॉक्स है, ये बॉटल्स का ड्रॉर है। और इसको भी यहाँ से ओपन करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे जो ग्लू लगाया है हमने वो गीला है। तो ये है मायरा का फ्रीजर। वाओ देखो ये शेल्फ मायरा ने लगवाई है, यहाँ पे क्या रखना है मायरा? सॉफ्टी। तो मामा आप जल्दी से दिखाओ यूटी फैमिली को क्योंकि फिर कूलिंग बाहर आ जाएगी ना। नहीं नहीं कुछ भी नहीं बाहर आएगा, अभी हमने प्लग नहीं लगाया इसका। तो यहाँ पे मायरा आइसक्रीम वगैरह रखेगी और यहाँ पे इसने एक छोटा सा मुझसे बनवाया है, दो छोटे छोटे पार्ट्स कार्डबोर्ड के कट करके। तो इसमें ये कोई बॉक्स वगैरह रखना चाहती है शायद, आइस बॉक्स। आइस बॉक्स रखेगी जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। आइस बॉक्स तो इंक्लूडेड होता है ना? नहीं आप इसमें ना अमूल की आइसक्रीम का डब्बा रख सकते हो, वहाँ रख सकते हो, वहाँ भी रख सकते हो। हाँ। शेक अच्छा, की बोतल भी रख सकते हो। एक काम कर सकते हैं, जो पापा के पास वो सॉन्ग का डब्बा है ना, छोटा सा ऐसा वाला, तो वो हम रखेंगे, उसको हम बनाएंगे आइस बॉक्स। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले वापस आए सॉन्ग खत्म कर दे। नहीं सबसे पहले हम अच्छे से इसको ड्राई होने देते हैं, जो ग्लू वगैरह गीली है पेपर्स की, ये होल्डर्स की। और इसकी तो अभी जस्ट अभी मैंने कंप्लीट किया है, ये भी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, अभी वेट है। तो अच्छे से ड्राई होने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि मायरा के पास फ्रिज के रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारा आज का ये फ्रिज आपको कैसा लगा आप जल्दी से कमेंट्स में बताइए। और अगर आप कुछ और भी चाहते हो कि मैं मायरा के लिए DIY करूं, कार्डबोर्ड से कुछ बनाऊं, तो आप वो भी हमें कमेंट्स में सजेस्ट करना, फिर हम और एक एक्टिविटी करेंगे मायरा के साथ और आप सबके लिए व्लॉग शूट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मायरा की मम्मा ने 2 वर्किंग डेज लिए हैं। यस और फ्रेंड्स जब मम्मा ने किचन बनाई थी ना, मैं आपको एक बात बता दूं, मम्मा ना मेरी किचन बना रही थी और मम्मा ने 3 दिन अपनी किचन में कोई काम नहीं किया। हाँ खाना किसकी किचन में बना था? तेरी किचन में? अरे नहीं अभी तो बनाना है इसने खाना, अपने हाथ का खिलाना है हमें। तो बताइए फ्रेंड्स कैसा बना है हमारा रेफ्रिजरेटर, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।